हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो आपके खाते में 1000 रुपया आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, इसके पीछे का कारण बताने वाले हैं और कब तक आएगा, कैसे आएगा, ये सारा डिटेल जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो ई श्रम कार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग स्टेट में वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टेट में ई श्रम कार्ड के थ्रू। जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताए हुए थे कि यूपी गवर्नमेंट्स ने कुछ बेनिफिट्स देने वाली है अपने ई श्रम कार्ड धारकों को। उसमें बेनिफिट्स क्या मिला है कि दिसंबर से मार्च तक ये 4 महीने हुए, चारों महीने में 500-500 रुपया ई श्रम कार्ड धारक को मिलने वाला है। जिनका भी ई श्रम कार्ड 31 दिसंबर 2021 के पहले बना हुआ है, उन सभी के खाते में 500-500 रुपये दिए जाएंगे दिसंबर से मार्च तक, 4 महीने में। तो यूपी में टोटल 3,81,00,000 ई श्रम कार्ड बना हुआ है 31 दिसंबर 2021 के पहले, लेकिन सबके खाते में पैसा नहीं आया हुआ है। मात्र 1.5 करोड़ लोगों के खाते में पैसा आया हुआ है, वो भी 2 महीने के, दिसंबर और जनवरी मिला के 500-500 1000 रुपये हुए। तो 1000 रुपये 1.5 करोड़ लोगों के खाते में आ चुके हैं, और बाकी लोगों के खाते में क्यों नहीं आया हुआ है, इसके पीछे का कारण समझेंगे, कब तक आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले हमने टोटल डाटा को लिए और वेरीफाई किए, जिनका भी ई श्रम कार्ड सही था, अकाउंट नंबर सही था, अकाउंट में नाम जो होता है बैंकिंग ने, वो चीज़ सब वेरीफाई किए जिनका सही था, उन सभी के खाते में पैसा जा चुका है जो कि 1.5 करोड़ नंबर है। और बाकी जो लोग बच गए उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या तो बैंक में नाम कोई और है, ई श्रम कार्ड कोई और नाम से बना हुआ है, या फिर ई श्रम कार्ड में जो बैंक लिंक किया गया है उसमें अकाउंट नंबर गलती है, या फिर ऐसा नंबर डाला गया है जिस नंबर से अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर कोई और दिक्कत होगा जिस वजह से उनका पैसा नहीं आ पाया है। तो उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने ई श्रम कार्ड को एक बार चेक कर लीजिए कि सब चीज़ सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको अगली बार पैसा ज़रूर मिल जाएगा, 100% आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और जिन लोगों का कुछ गलती है उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सुधार लीजिए, आपको अगली बार पैसा मिल जाएगा। जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक पैसा कैसे आएगा, कैसे सुधारा जाता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं कि अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट कैसे करें, गलती को कैसे सुधारें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख के इजीली सुधार सकते हैं। तो अगर आप यूपी से हैं और आपने 31 दिसंबर से पहले ई श्रम कार्ड को बनवाए हुए हैं तो आपके खाता में पैसा तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया हुआ है तो एक बार अपने ई श्रम कार्ड को चेक कर लीजिए कि सब चीज़ सही है या फिर नहीं। अगर सही होगा तो घबराने वाली बात नहीं है, नहीं आया है तो आ जाएगा, और गलती है तो उसको सुधार लीजिए। और जो लोग यूपी से नहीं हैं, यूपी से बाहर के हैं, जैसे कि बिहार से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा कोई बेनिफिट्स लेके नहीं आए हुए हैं। जैसे ही कोई बेनिफिट्स लेके आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको उस बेनिफिट्स का लाभ मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।